भाजपा नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी नए और युवा चेहरों को सत्ता के केंद्र में बिठाकर तीनों राज्यों में नई पीढ़ी को कमान सौंप दी गई है। दो दशकों बाद तीन राज्यों में नई राजनीतिक पीढ़ी नेतृत्व संभालने जा रही है। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह की जगह मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय सत्ता के केंद्र में रहेंगे। राजस्थान में पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, जबकि राजघराने की दिया कुमारी व दलित वर्ग से आने वाले प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी स्पीकर का दायित्व संभालेंगे। बीजेपी की ओर से तीनों राज्यों की पूरी कवायद में सामाजिक समीकरणों को नया आयाम दिया गया है। भाजपा ने इन बड़े फैसलों से तीनों राज्यों में नेतृत्व बदलाव के साथ लोकसभा की रणनीति को भी मजबूत करने की कोशिश की है। ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी, ओबीसी और दलित को संदेश दिया गया है कि भाजपा सर्वस्पर्शी और सर्व समाजवादी पार्टी है। अन्य समुदायों को राज्य के मंत्रिमंडल के साथ साधा जाएगा। नए नेतृत्व में आने से लोकसभा चुनावों में इन राज्यों में सत्ता विरोधी माहौल भी नहीं होगा। भाजपा के मजबूत गढ़ों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर जनता ने उन्हें जताया तो भाजपा ने भी मोदी मिशन 2024 के लिए अपनी नई रणनीति पर मुहर लगा दी। तीनों राज्यों में दो दशकों से शत्रुओं की जगह नई पीढ़ी के नए युवा चेहरों को सत्ता की कमान सौंप दी गई। शिवराज, वसुंधरा और रमन सिंह के उत्तराधिकारी तय करने में सामाजिक संतुलन भी साधा गया। इसी के साथ संगठन की रीति नीति का भी ध्यान रखा गया। भाजपा ने तीनों राज्यों में 1+2 फॉर्मूले को अपनाया। तीनों राज्यों में साधे गए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में पार्टी ने एक आदिवासी, एक ओबीसी और एक ब्राह्मण यानी सामान्य वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। देश में केवल 5% आबादी लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण समुदाय को एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री पद मिले हैं। तीनों राज्यों में सत्ता के शीर्ष क्रम में उनकी बड़ी हिस्सेदारी रहेगी। राजपूत समुदाय से भी तीन चेहरे, दो विधानसभा अध्यक्ष और एक उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओबीसी से एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री और दलित समुदाय से दो उप मुख्यमंत्री होंगे। गौरतलब है राजस्थान में तीन दशक बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में करीब 8% ब्राह्मण है। मैदान में 19 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए थे जिनमें से 10 जीत गए। नई उप मुख्यमंत्री बनने जा रही दिया कुमारी भी जयपुर राजघराने से है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर राजघराने से थी। इसके अलावा वह सिंधिया राजघराने की बेटी थी जो राजस्थान के रजवाड़ों की राजनीति में सबसे ज्यादा रसूखदार है। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे प्रेमचंद बैरवा दलित वर्ग से आते हैं।